नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर वन चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। इसी के साथ मैं विनीता मिश्रा आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन पूरे रीति रिवाज से व्रतियों ने किया खरना पूजा। काटी थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव में जहरीली शराब के सेवन करने से 5 लोगों की हुई मौत। और मीनापुर थाना के बाहर पत्नी को पिटाई कर रहे पति को लोगों ने की पिटाई। तो ये थे आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने पूरी रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की। लोक आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन मंगलवार को गांव से लेकर शहर तक हर्षोल्लास के साथ खरना पूजा मनाया गया। हिंदू पंचांग के अनुसार खरना कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। खरना का अर्थ होता है शुद्धिकरण। छठ के व्रत में सफाई और स्वच्छता का बहुत महत्व है। पहले दिन नहाए खाए जहां तन मन की स्वच्छता करता है, वहीं दूसरे दिन खरना में मन की स्वच्छता पर जोर दिया जाता है। वहीं खरना पूजा को लेकर छठ व्रतियों ने शुद्ध मन से मिट्टी के चूल्हे पर छठ का प्रसाद बनाकर छठी मैया को भोग लगाकर पूरे परिवार के साथ अपने परिवार में सुख शांति की कामना की। छठ का खरना पूजा है, छठ मैया से आज खरना पूजा करके हम लोग खरना के दिए हैं और जो व्रती छठ पूजा करती है उसको मनोकामना पूरा होता है। कितनों सालों से छठ माई का पूजा करते हैं और छठ मैया जो भी मन्नत है वो पूरा करती है। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी। काटी थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव में जहरीली शराब के सेवन से 5 लोगों की मौत के बाद जिले में हड़कंप मच गई। आनन फानन में एसएसपी ने थाना प्रभारी व 2 चौकीदार को निलंबित किया। दारू में कोनो जहर पिया देलक है बाबू, हमर घीरी काट के मर गेला। सब मर रहा है, उनको बंद कीजिए। घर घर में आदमी मर जाएगा तो कौन कर्मा के खिलाएगा। बेसी हो रहा है, जब हमर सोना उधिया गेला तब हम कहबे करम जे ते बेसी आदमी मरई थे। जिले में एक बार फिर जहरीली शराब से मौत के मामले सामने आए हैं। 5 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। परिजनों का कहना है कि इन सभी की मौत शराब पीने की वजह से हुई है। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन की नींद उड़ गई। घटना काटी थाना क्षेत्र की है जहां सिरसिया गांव में 4 लोगों की कथित जहरीली शराब के सेवन से मौत हो गई, जबकि अन्य लोगों की हालत गंभीर है। इन्हें शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान अशोक राय, सुमित कुमार उर्फ गोपी, दिलीप राय, राम बाबू राय के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि दिलीप मुखिया प्रत्याशी नित रंजन कुमार के ससुर हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इधर ग्रामीणों ने बताया कि इलाके में पंचायत चुनाव होने वाला है, इसको लेकर प्रत्याशियों द्वारा शराब पार्टी किया गया था। मुजफ्फरपुर में कटरा और सरैया के बाद कांटी इलाके से फिर 2 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई है। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने की वजह से मौत हुई है। ग्रामीण आए हैं, कुछ लोग यहाँ प्रशांत हॉस्पिटल में भर्ती हैं। क्या हुआ था, क्या घटना घटी है? एंटी पार्टी लोग पिलाने खिलाने के चक्कर में आदमी को मार रहा है। अब जहरीली शराब तो बिक रहा है गाँव में। अभी जो किस गाँव की ये घटना है, ये सिरसिया का घटना है। क्या घटना है? यही जहरीली शराब का घटना है। कितने लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है? अभी तक तो 2 आदमी मरे हैं। कौन कौन मरे हैं? एक है, क्या नाम है उसका, रामदाराई के बेटवा के अशोक, और एक है क्या इसका नाम है गोपी। अच्छा, 2 लोगों की मौत। जब कितने लोग और अभी गंभीर स्थिति है? अभी कितने लोग बीमार है इसका कोई नहीं कहा जा सकता। प्रशांत में कितने लोग एडमिट है अभी तक? तो हमारा एक आदमी है। अच्छा, वहाँ पीएचसी में भी भर्ती है? वही हमको पता नहीं। अच्छा, क्या हुआ था, कैसे ही लोग पार्टी में शामिल हुए थे, कहाँ पार्टी हुआ था? ये लोग घूमते फिरते थे क्षेत्र में। अभी यहाँ जो एडमिट हुए कौन कौन लोग हैं? वो हमारे प्रतिनिधि को ससुर है। कौन कौन प्रतिनिधि है? चित्रंजन कुमार। अच्छा, उनका ससुर है। आपका क्या नाम है? शंभू राय।
कुछ और भी ग्रामीण हैं उनसे बात करेंगे, आखिर क्या घटना घटी है मुजफ्फरपुर में, तीसरी या चौथी बार इस तरीके की घटना दोहरा रहा है। ये तो हमको फुल जानकारी नहीं, चूँकि हम दुकान किए हुए हैं चौक पर, तो आते जाते हैं, सुबह में आते हैं, रात में 9 बजे 10 बजे जाते हैं, इसलिए हमको पूरा जानकारी नहीं। जब कुछ होता है क्या जानकारी है? अभी जो ये बताए हैं वही जानकारी है, क्या आप बताए ना, क्योंकि ग्रामीण है तो यही जो बताए हैं ना वही जानकारी है। 2 आदमी। वही कथित जहरीली शराब से मौत की सूचना मिलने के बाद गांव में आईजी गणेश कुमार, एसएसपी जयंत कांत, उत्पाद एसपी संजय कुमार पहुंचे, सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ कर रही है। वहीं 2 मृतक के परिजन उनके शव का दाह संस्कार भी कर लिए हैं। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि शराब पिया था, 1-2 उल्टी व स्थिति बिगड़ता देख अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से शराब पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। दारू में कोनो जहर पिया दे रखा बाबू, हमर घीरी काट के मर गए रखा, गांव में बिकाई थे दारू जहर ध ध के, ए दुगो ई लगा के वो काल मोर लगे जहर भले ने बखार भले लोकी भले या कोई बीमारी नहीं था, सब मर रहा है, उनको बंद कीजिए, घर घर में आदमी मर जाएगा तो कौन करवा के खिलाएगा, फिर बाद में प्रशासन आके क्या करे। मौत हो रहा है, पी रहा है आदमी, बिक रहा है, बिक रहा है, बन रहा है तब ना बिक रहा है। कैसे आपके परिवार में कैसे क्या हादसा हुआ बताइए हमको, तो कल ससुर जी कल रात में एक अथी सवेरे सोए हैं, उठे हैं, अब बस हमको कहे कि हमको प्यास लगल है तो पानी हम पिलाए हैं, तो कह रहे हैं कि गिलास कहाँ हो, तो अब गिलास मुँह में लगा के उनको पिलाए हैं पानी, अब बस वो एक बार एक गर्मी एकदम फूकने लगा है, कपड़ा नहीं खुल रहा था तो हाली से ना चीर के अब फेंक दिए खोल के। वहीं एसएसपी जयंत कांत ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि डीएसपी बेस्ट अभिषेक आनंद के नेतृत्व में टीम पूछताछ कर रही है, अभी जहरीली शराब की बात सामने आई है, पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। उन्होंने बताया कि फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसकी मौत कैसे हुई, पुलिस सभी पहलू को ध्यान में रखकर कार्रवाई कर रही है। जो 2 लोगों की मृत्यु की बात आई है, एक व्यक्ति की उम्र 65 साल के करीब में है और एक और व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हुई है, ये सरैया के पास में ही, जहाँ पूर्व में भी मृत्यु हुई थी उसी के पास का थाना है, और हम लोग घर वालों का बयान ले करके इसमें अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं, और वहाँ पे पूर्व में भी छापामारी वगैरह कराई गई है, लगातार जो है पुलिस का ये एक्शन चल रहा है। 2 लोग सर इलाजरत भी हैं, उन्हीं में से जो लोग इलाजरत हैं उन्हीं लोगों के बारे में ही बात कर रहे हैं हम, कि उन लोगों का जो है घर वालों का बयान ले करके और उसके बाद में आगे जब तक के इसमें पूरी तौर पे जो है उन लोगों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घर वालों का बयान और उन लोगों की स्थितियों को देख करके ही जो है हम लोग कह सकते हैं, लेकिन हम लोग जो SOP है और जो किसी तरीके की इस तरीके की मृत्यु में जो पूर्व में भी हम लोगों का एक्शन रहा है कि लगातार उस क्षेत्र में छापेमारी, और क्योंकि ये जगह जो है उसी के पास में ही पड़ती है, उससे एडजेसेंट थाना है, तो हम लोग जो है उसी कनेक्शन को लेकर के आगे का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। रेट जारी है, 200 से ज़्यादा लोग जो कि स्प्रिट के कारोबारी स्पेशली रहे हैं उन लोगों के विरुद्ध एक्शन हुआ है, और इसके अलावा जो लोग बड़े स्प्रिट के कारोबारी हैं उसके बाद में अलावा भी जो लोग हैं, खास करके जो स्प्रिट के बड़े कारोबारियों के जो पूरा एक गैंग बना हुआ था, उन लोगों के ऊपर विरुद्ध लगातार रेट जारी है। इस घटना से पूर्व में भी जो है कई लोगों को तुर्की थाना क्षेत्र से, करजा थाना क्षेत्र से, सरैया थाना क्षेत्र से हम लोगों ने लगातार जेल भेजा था, जो लोग लगातार स्प्रिट का कारोबार करके नकली शराब बना रहे हैं, और इसमें आगे भी रेट जारी रहेगी। कई अन्य लोगों के नाम आए हैं, क्योंकि इसमें जो लोग क्रिमिनल को इस तरीके का हार्बरिंग कर रहे हैं तो उनके परिवार पे भी या उससे संपत्ति भी बनाई हुई है, खास करके जो मोबाइल व्हीकल वगैरह लिए हुए हैं उन लोगों पर भी हम लोग रेट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए चेतावनी पूर्व में भी है, ऑलरेडी भी है, प्रशासन लगातार सबको सजग भी कर रहा है और बता भी रहा है कि इस तरीके का किसी भी तरीके का चीज़ का जो कि संदिग्ध हो सकती है उसका सेवन नहीं करें, और ये बात लोगों को पूर्व में भी बताई गई है, हम लोग भी लगातार इस बात को लोगों को प्रचारित कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि लोगों के साथ में होने वाली घटनाओं को रोका जाए। छठ पूजा को लेकर शहर के प्रमुख घाटों की साफ सफाई के साथ सजावट का कार्य पूरा हुआ। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए शहर के सभी घाटों की तैयारी अंतिम चरण पर है।
टिमटिमाते रंग बिरंगे झालरों से छाट घाट की सूरत में निखार ला दी है। वहीं शहर के तमाम पोखरों पर युवाओं का समूह तालाब में जलकुंभी हटाने, सूप दौरा रखने के लिए जमीन को समतल करने, पानी से आ रही बदबू को साफ करने, पानी में चूना मिलाने में तन मन धन लगाए हुए हैं। बुधवार को संध्या रख के लिए घाटों को अंतिम चरण की तैयारी से लेकर लोग युद्ध स्तर पर जुट गए हैं। मोतीझील पूजा बाजार मार्केट के पीछे नवल बाबू पोखर में लगभग 5 वार्डों के लोग छठ पूजा करते, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। बरसात के कारण हम लोग का काम बहुत डीले चल रहा है। नगर निगम का कोई इसमें सहयोग नहीं है और सहयोग न रहने का कारण पानी ज़्यादा है। पानी निकालेंगे तो मोती झील में ओवरफ्लो हो जाएगा। इस कारण हम लोग आस में थे कि टैंकर से पानी निकलेगा या किसी से निकलेगा, लेकिन कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। कचरा भी था पोखर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि रोड का सारा कचरा इसी में आता है। तो हम लोग कल मल्हा को बुला के 8,000 रुपया दे के सफाई करवाए। उसके बाद भी पानी ज़्यादा है, रिस्क बहुत है। तो हम लोग कल रिस्क उसको क्या करेंगे, खूटा गाड़ के उसको रस्सा से बनवाएंगे। और हम लोग एक विज्ञापन भी, कितने वर्षों से इस पोखर में हो रही है ये, लमसम 60-70 साल से हो रही है। 30 साल से तो मेरे पास है, 30 साल से हम संभाल रहे हैं। इस बार क्या तैयारी किए हैं? इस बार श्रद्धालुओं के लिए तैयारी ये है कि सुबह हम लोग सर सफाई पूरा रखें और पवनीतिन ज़्यादा पानी में ना जाए, इसलिए हम लोग घेराव कर रहे हैं। और दूसरी में है कि मास्क जो लोग नहीं लगाएंगे उनको मास्क भी देंगे हम लोग। वहीं साहू पोखर पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि विगत कई वर्षों से रावण दहन पर रोक लगाने के बाद इस बार दहेज रूपी राक्षस का दहन किया जाएगा। साथ ही छठ पूजा को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मूर्तियों के लिए बहुत अच्छी से सजावट का प्रोग्राम कर रहे हैं और हर साल की तरह इस साल कुछ नया सजावट के लिए सभी छठवर्ती लोग, जितने भी यहाँ महिला लोग आती हैं, उन सभी का आने के रास्ते में सभी व्यवस्था की जाएगी और यहाँ घाट तक आने में पूरी व्यवस्था उन लोग के लिए की गई है। और साथ ही रात को भी यहाँ अर्घ रखाता है और अर्घ रखते हुए भी यहाँ रोशनी की पूरा प्रबंध हमारे लोग के सजावट की व्यवस्था हम लोग किए हैं। वहीं पराव पोखर पूजा समिति के सदस्यों ने पूरे पराव पोखर को रंगीन लाइटों से सजा रखा है। पूरे पोखर को साफ कर किनारे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। तालाब में जलस्तर की वृद्धि के कारण नाव की विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही यहां पर छोटे बच्चों के लिए मेला भी लगाया गया है। पोखर छठ पूजा समिति की लगभग पूरी हो चुकी है, लाइट का भी व्यवस्था हो चुका है। लाइट भी देखिए कि अब आपके सामने ही लाइट जला है और हमारा ये बगल में कार्यालय होगा, यहाँ पे ड्रेसिंग रूम बनेगा जहाँ महिला अपने वस्त्र को माने चेंज करेगी और बच्चों को मनोरंजन के लिए एक्स्ट्रा हमने जमा जगह दिया है, जहाँ वो अच्छे क्वालिटी का बच्चों के लिए झूला का लगाया जा रहा है और शाम में घूमने वालों के लिए यहाँ अच्छी व्यवस्था रहेगी। जो लोग घाट पे जा रहे हैं, वार्ड के लोग यहाँ हमारे वार्ड नंबर 34 30 और 35 और 29 25 लगभग 6 वार्डों का लोग जनता यहाँ पे आएगी छठ व्रत करने के लिए। छठ पूजा को लेकर शहर के प्रमुख बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी। हालांकि दुकानदार जितनी उम्मीद लगाए थे उतनी बिक्री नहीं हुई। नहाए खाए के साथ 4 दिवसीय सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा सोमवार से शुरू हो चुका है। मंगलवार यानी आज खरना है। वहीं बुधवार को दोपहर बाद व्रती महिलाएं छठ घाटों पर जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगी। छठ पूजा को लेकर मंगलवार को शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। लोग छठ पूजा सामग्री के साथ कपड़े और अन्य सामान भी जमकर खरीद रहे हैं। इससे बाजारों में रौनक दिख रही है। प्रत्येक चौक चौराहों पर जगह जगह दौरा सुपली के अलावा नारियल, सेब, केला, संतरा, नाशपाती, गागर, नींबू, गन्ने, हल्दी, अदरक की दुकानें सजी हुई है। कल्याणी, सरैयागंज, टावर चौक, अघोरिया बाजार, मिठनपुरा, कल्याणी चौक सहित शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर छोटे छोटे विक्रेताओं की दुकानें सजी हुई है। हालांकि पूजा सामग्रियों से लेकर अन्य सामान पर महंगाई का असर रहा। अतिक्रमण से सड़कें संकीर्ण हो गई, लोगों का चलना भी मुश्किल हो रहा था। शहर के विभिन्न मार्गों में जाम की स्थिति बनी रही। खासकर कपड़ा और फलों की दुकानों पर लोगों की भीड़ रही।
वहीं सभी पूजा सामग्री के कीमतों में हुई वृद्धि से लोगों ने कम खरीदारी की। पूजा पर अधिक बिक्री की आस लगाए दुकानदारों में मायूसी छाई रही। पिछली दो लॉकडाउन लगा, इस बार क्या हाल है? हाल क्या होगा, हाल तो बड़ा बुरा स्थिति है, चल रहा है, कम कम करके बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी गांधी का लोग जो है चारों तरफ इतना दुकान हो चुका है, जो चारों तरफ जा रहा है। बैठे हुए अब कहीं कस्टमर नहीं आ रहा है? बैठे हुए कस्टमर नहीं आ रहा है? कस्टमर इसका दुकान आ रहा है, लेकिन जो चाहिए तो नहीं हो पा रहा है, लॉकडाउन का मारा हुआ है सब। कोई गहकी नहीं ला, महंगा सामान खरीद रहे था, क्या लोग क्या खरीदेगा, क्या लेगा, कुछ नहीं ले रहा है। तो पिछली साल से इस बार सोचे कि बिक्री होगा, नहीं हो रहा क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, महंगा महंगा सामान ले है, लोग करा इतना में दीजिए, उतना में दीजिए, कैसे दोगे। मुसहरी थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग किशोरी के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। शिकायत के बाद मामले की छानबीन पुलिस ने शुरू कर दी है। जिले में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। यह आरोप गांव के ही एक युवक पर लगा है। दरअसल घटना मुसहरी थाना क्षेत्र के गांव की है, जहां गांव के ही एक युवक ने एक नाबालिग किशोरी के साथ मौका देख दुष्कर्म का प्रयास किया है। परिजनों के पहुंचने के बाद आरोपी युवक भाग निकला। जानकारी के अनुसार पीड़ित नाबालिग किशोरी अपनी बहन के साथ घर पर ही थी। घर के सभी लोग काम से बाहर गए थे। मौके का फायदा उठाकर युवक घर में घुस गया। घर में मौजूद बहन को बंधक बनाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास के बाद परिजनों ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज की है। शिकायत में गांव के ही चंदन कुमार पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। इधर शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच शुरू कर दी गई है। 11 बजे में लड़का आकर के हमारा इसी घर में बलात्कार किया, कौन बांध दिया। यह विनोद राय के लड़का, कठिन नाम है, कठिन नाम है रे, राजकिशोर के बेटा है, कठिन नाम है, चंदन नाम, चंदन। फिर क्या हुआ? इसके बाद में मुंह बांधे हुआ था और बलात्कार के अथी किया, इस लड़की को बांध दिया खम्भा में, इसको मुंह बांध करके खम्भा में बांध दिया, ऐसे उसके साथ बलात्कार करना शुरू किया और कहा कि जब पैसा देबो कर ना हमारा मायके कहिए और ना तू अपना और मायके कहिए तो तब पैसा देबो। हाँ, उसके बाद में एक तो छोटकी पोती है, उधर गया मतारी, कहा गया माँ से घर में कर जाले, उसको मतारी आया था नहीं पार हो गया भाग। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहां पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहां मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहां अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यू एसोसिएट के सज्जन से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत को के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दे। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा दो पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722।
हाँ पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट ब्लेजर विंटर के जैकेट स्वेटर मतलब सब चीज़ें शेरवानी अंडर गारमेंट सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं अभी मोस्टली में। शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें, वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम पानी टंकी चौक। जो फिनेंस की सुविधा में जिस मनी भी फिनेंस करती है, एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं आपको यहाँ भी फिनेंस मिलेगा जिस मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जिस मनी के माध्यम से आपको फिनेंस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर यह सुविधा अभी भी नहीं है, ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर वन चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मिठनपुरा थाना परिसर के बाहर पत्नी की पिटाई कर रहे पति को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई की। शहर के मिठनपुरा थाना के सामने मंगलवार को पति पत्नी आपस में भिड़ गए। इस दौरान पति ने पत्नी को थप्पड़ जड़ दिया। महिला को थप्पड़ जड़ता देख स्थानीय लोग भड़क गए। इसके बाद पति को पकड़कर लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान थाना के सामने अफरा तफरी की स्थिति बन गई। इधर हंगामा व बवाल की सूचना पर पुलिस थाने से भागकर सड़क पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने किसी तरह आरोपी पति को लोगों से छुड़वाया, वहीं स्थानीय लोगों को भी हटाया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान इलाके में अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। इधर पुलिस पति व पत्नी से पूछताछ कर रहा है। जानकारी के अनुसार पुलिस पूछताछ में पति पत्नी ने कहा कि वे लोग मुसहरी थाना क्षेत्र के रजवाड़ा इलाके के रहने वाले हैं। पत्नी गर्भवती है, उसे इलाज करवाने सदर अस्पताल ले जा रहा था। इसी दौरान पत्नी ने निजी अस्पताल में ले जाने को कहा, लेकिन उसके पास निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। इस पर विवाद हो गया। कहा कि विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ऑटो से उतर गई, जिसके बाद निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए अर गई। इस पर वह गुस्सा में आकर अपनी पत्नी को एक थप्पड़ जड़ दिया। इस पर लोगों ने उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद वह स्थानीय लोगों से भी भिड़ गया। कहा कि उन दोनों ने प्रेम विवाह किया है, वह दूसरे प्रदेश में रहकर काम करता है। फिलहाल वह पर्व मनाने के लिए पहुंचा था। इस दौरान पता चला कि पत्नी गर्भवती है, इस पर उसका जांच कराने के लिए ले जा रहा था, जिस पर विवाद हो गया। कोरोना टीकाकरण अभियान में जिले में एक नया खेल सामने आया है। मुसहरी पीएससी में दूसरे डोज दिए बगैर हजारों लोगों का डेटा अपडेट हो रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मुसहरी पीएससी में आंकड़ों का खेल चल रहा है। कोरोना का दूसरा डोज लिए बिना इसका आंकड़ा ऑनलाइन अपडेट किया जा रहा है। इसके साथ बिना टीका लिए प्रमाण पत्र भी निर्गत हो रहा है। यह सब खेल प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार के संरक्षण में प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक आलोक कुमार के नेतृत्व में चल रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब रविवार को मुसहरी पीएससी के आईएस वार्ड में स्वास्थ्य प्रबंधक की देख रेख में दो बाहरी लड़कों को रखकर स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल पर आंकड़ा अपडेट किया जा रहा था। सूत्रों ने बताया कि मुसहरी पीएससी में 24,000 लोगों को कोरोना टीकाकरण का दूसरा डोज लेना बाकी है, जिसको स्वास्थ्य प्रबंधक बाहरी युवकों को रखकर इसके आधार नंबर डालकर अपडेट करवा रहे हैं कि इन लोगों ने आज कोरोना का टीका लिया।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा ने अविलंब कार्रवाई करने की बात कही है। आज मुझे अखबार के माध्यम से ये जानकारी मिली कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को भी मैसेज चला गया जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था, तो मैंने तुरंत स्पष्टीकरण पूछा है उनके प्रभारी से किस परिस्थिति में ऐसा हुआ है, होटल का गड़बड़ी था या कुछ और था, तो उसको स्पष्ट करेंगे वो, उसके बाद उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे हम। सर एक मामला है कि पूर्व विधायक है उनके भाई साहब सतीश कुमार नाम है, उसका भी सेकेंड डोज नहीं दी गई है और उसका सेकेंड सर्टिफिकेट इशू हो चुकी है। मैंने वही कह रहा हूँ कि मैंने पूछा है कि इससे किस तरह से हो रहा है, क्योंकि होटल पर जो है उसका जब तक आईडी नहीं आएगा, आईडी डाला जाता है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डाला जाता है, उसके बाद ही सर्टिफिकेट निकलता है। तो अगर उन्होंने नहीं लिया तो उनका आईडी और डाटा ऑपरेटर के पास कैसे गए, तो जांच का विषय है। जांच के लिए मैंने लिखा है सिविल विभाग के प्रभारी को कि जांच करके प्रतिवेदन दे, फिर उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करें। महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा निगम सफाई कर्मियों के बीच छठ पूजा को लेकर साड़ी और पूजा सामग्री का वितरण किया गया। लोक आस्था का महापर्व छठ के शुभ अवसर पर मंगलवार को वार्ड नंबर 40 में महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के द्वारा निगम सफाई कर्मियों के बीच साड़ी और पूजन सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर मौजूद महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने कहा कि वार्ड 40 के स्वच्छ दूतों के बीच हर साल की तरह इस साल भी कपड़ों का वितरण किया गया है। इन्हीं सफाई कर्मियों की मेहनत के बदौलत हमारा शहर और वार्ड हर त्योहार में साफ सुथरा रहता है। आज वार्ड नंबर 40 के पार्षद अब्दुल बाकी जी, जो कि महानगर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव भी हैं, उनके द्वारा अपने वार्ड के सभी जो सफाई कर्मी हैं, जो स्वच्छ दूत हैं, उनके बीच में लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर के कपड़ों का जो है वितरण, साड़ी और जो शर्ट पैंट का कपड़ा होता है वो, उसका वितरण आज किया गया है। और इन्हीं सफाई कर्मियों के बदौलत हमारा शहर, हमारा वार्ड हर त्यौहार में साफ सुथरा दिखता है। तो आज हर साल हम लोग इस काम को करते थे और इस साल भी हम लोगों ने वार्ड 40 के सफाई कर्मियों के बीच में कपड़ा जो है छठ के अवसर पर बांटने का काम किया। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। We'll be right back.